नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टॉक इन्वेस्टिंग में स्वागत है। आज बीएससी सेंसेक्स ने 930 अंकों की गिरावट के साथ 70,506 रुपये पे मार्केट बंद हुआ है। निफ्टी 50 इंडेक्स में 302 अंकों की गिरावट के साथ 21,150 रुपये पे मार्केट बंद हुआ है। जब भी दोस्तों इस प्रकार की गिरावटें होती है तो न्यूज़ वेबसाइट के द्वारा हमें ये बताया जाता है, विदेशी बाजारों में बड़ी गिरावट होने के कारण से भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावटें देखने को मिली है। लेकिन आज दोस्तों ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो अमेरिकी बाजार हो या फिर सिंगापुर का बाजार हो या जापानी बाजार हो, सब में आपको हरे भरे कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा होगा। तो बात कुछ और है जो एक्चुअल में हमें और आपको नहीं बताया जाता है। तो आइए जानते हैं कि किन कारणों से बाजार गिरा है और कहां तक गिरेगा और इस गिरावट में हमें किन शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए सबसे पहले आज न्यूज वेबसाइट को ध्यान में रखकर ही चर्चा करते हैं, बाद में अपना थ्योरी रखेंगे। तो जितने भी वेबसाइट हैं उन सब पे इन शेयरों के इन खबरों का जिक्र किया गया है, तो लेकिन कुछ खबरें जो है ना सही नहीं होती है। आप जी न्यूज को ही देख लें तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बताया गया है, 6 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में डूब गए 9,00,000 करोड़, शेयर बाजार में क्यों मचा है हाहाकार। अब इन्होंने यह भी मेंशन किया है कि आज सेंसेक्स ने 16 अंक की गिरावट की है और निफ्टी इंडेक्स ने 500 अंकों की, तो कितना बड़ा झूठा बताया जा रहा है। शुरुआती से ही सेंसेक्स में गिरावटें हो रही थी और निफ्टी में दोपहर के बाद गिरावटें हुई है 302 अंकों के। तो न्यूज का काम है कि इस तरह से आपके सामने पेश आना कि आप ऑटोमेटिक क्लिक करो और उन्हें पढ़ो, लेकिन हकीकत यह है कि गिरावट होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो कि FII के द्वारा 600 करोड़ की बिकवाली की गई है और कोविड का भारत में आगमन। इसको स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं तो अगर बाजार में अचानक गिरावट आई है तो इनके कारणों पर गौर करें तो फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा भारी बिकवाली के चलते अचानक शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। विदेशी निवेशकों ने 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा के शेयर बेचे हैं जबकि घरेलू निवेशकों करीब 294 करोड़ की ही खरीदारी की है। इसके अलावा गिरावट के दूसरी कारण जो है वो कोरोना के बढ़ते मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और एक दिन में 614 नए मामले सामने आए। बुधवार को बैंक, मेटल स्टॉक सब में गिरावटें देखने को मिली है। ठीक, ये खबर 90% सही है। अब इस पे जो अपना एनालिस्ट कहता है दोस्तों, अब इस गिरावट को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ये निफ्टी 50 हुआ, निफ्टी 50 तब बढ़ेगी जब उसके नीचे 50 जो शेयर ट्रेड कर रहे हैं इंडिया की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें जब बढ़त देखने को मिलेगी तब जाके ये इंडेक्स बढ़ेगा। ठीक, अगर उन 50 शेयरों में गिरावटें हो रही है कुछ दिग्गज दिग्गज जो कंपनियां हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, HUL, अगर गिरावट होगी तो निफ्टी इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिली है। तो पिछले 1-1.5 महीने में ये देखा गया है कि इंडेक्स ने 15% तक की जबरदस्त रैली दिखाई है। मैं अपने 8 साल के करियर में बताता हूँ दोस्तों कि मैंने 1 महीने के अंदर इंडेक्स को 15% तक की तेजी कभी भी नहीं देखा जो इस बार देखा है, और मैं यही सोच रहा था कि मार्केट कब गिरे जो हमें एंट्री करने का मौका मिले। अब इसको कैंडल चार्ट पे भी आसानी से समझें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स, तो यहाँ पर आप जो है शुरुआती में तो गैप ओपन हुआ था, बहुत शानदार था, अच्छा, लेकिन आप देखें जो 19 तारीख का क्लोजिंग था वो 4,055 का था, ओपन कितने पे हुआ है आज आप देख सकते हो 21,547 पे, लगभग 80-70 अंकों के बढ़त के साथ। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी समय तक एक ही रेंज में कारोबार किया है। अब ये आखिरी जो कैंडल आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये है 11:00, उस समय 21,570 रुपये पर ट्रेड करी थी, उसके बाद थोड़ी सी गिरावटें हुई तो फिर इन्होंने एक संभलने की कोशिश की थी 21,500 पे। ठीक, फाइनली
इसमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिली तब जब वो टाइम चल रही थी लगभग 12:45 पे, एक डोजी कैंडल बनता हुआ नजर आया है। और उस डोजी कैंडल के बाद यहाँ पर सेलर हावी हो चुके थे, जिनके कारण से आपको इतनी बड़ी गिरावटें देखने को मिली है, ठीक। और ये गिरावट अब भी जारी रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों? इसको ये टाइम फ्रेम जो है ना, इसको एक दिन पे ले आते हैं। तो एक दिन पे क्या आपको देखने को मिल रही है? इन एक दिन में इंडेक्स 21,593 अंक, यानी कि 600 के टारगेट को एक नई हाई बनाया है, और लो प्राइस कितना था? 21,087 का, ठीक। आप देखें कि यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग की गई है, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। जब जब एक ऑल टाइम हाई पर मार्केट पहुँचती है, फिर कोई भी शेयर पहुँचती है, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग होती है, जिनके कारण से आपको सेलिंग प्रेसिंग देखना पड़ता है। फिलहाल एक दिन के कैंडल चार्ट पे जो सेलिंग प्रेशर है वो 363 मिलियन है। और एक दिन के कैंडल चार्ट, माफ कीजिए दोस्तों, एक हफ्ते के कैंडल चार्ट को हम देखें तो यहाँ स्पष्ट रूप से और क्लियर हो जाती है कि इस समय 863 मिलियन जो है सेलिंग पोजीशन पे है। अब यहाँ से अगर मार्केट में गिरावटें होती है तो पहला जो सपोर्ट लेवल बनेगा दोस्तों ये है, लगभग कितना है तो ये आप देख पा रहे होंगे, कुल मिलाकर 21,175 रुपया, माफ कीजिए दोस्तों, 20,175 रुपया का मजबूत सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से मार्केट फिसलती है तो दूसरा जो सपोर्ट जोन है वो है 19,300। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि मार्केट इतनी बड़ी भी गिरावटें नहीं आएगी। पिछले 3 साल से लगातार कोविड हम देखते आ रहे हैं, तो थोड़ी सी गिरावटें जरूर होती है। वो गिरावट नहीं है, वो करेक्शन है, जहां से फिर मार्केट साइडवेज कारोबार करेगी, उसके बाद ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा। पिछले 3 साल से ये देखने को मिला है कि जब भी दिसंबर के अंत आने वाली होगी और मार्च के पहले, तो उस समय स्वाभाविक बात है कि मौसम में परिवर्तन होता है, तो लोगों को सर्दी खांसी जुकाम होती है, और उस जो आप टेस्ट कराने जाओगे तो आपको क्या नाम दिया जाएगा? कोविड हो गया है, तो इसके लिए आपको कंसोलिडेट कर दिया जाएगा। तो एक सीजनेबल फीवर भी होता है, अगर आप केयरलेस हो तो आपको कुछ से कुछ और भी बता दिए जा सकते हैं, आपसे हजारों दवाई के नाम पे ठगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सावधानी से कोई भी चीज़ को परखें और उस चीज़ का इलाज कराएं तो आपको कभी भी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तो चीज़ों से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन धैर्य के साथ और अपना सावधानी जरूर बरतना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों इन शेयरों में ये फिर थोड़ी सी अस्थिर होने, जब जब ये मार्केट अपने 2,500 के लेवल के आसपास आए तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनाएगा, थोड़ी सी साइडवेज कारोबार करेगी, उनके बाद हम खरीदारी करने के लिए सोचेंगे। तो फिलहाल जो इस गिरावट में हमें किन शेयरों में खरीदारी करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग एक जेन्युइन इन्वेस्टर हैं, ना कि इंट्राडे ट्रेडर हैं, ना तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने वाले हैं। तो हम लोग क्या होता है कि 8 घंटा नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद रात में 4-5 घंटा स्टडी करने के बाद सही विचार के कोई भी चीज़ फैसला करते हैं। तो वो कौन सी 4-5 शेयर हैं जिस पे हम जिक्र करना चाहेंगे और इस गिरावट में हम भी खरीदारी करेंगे? पहली कंपनी है दोस्तों इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि IRCTC लिमिटेड, जो कि रेलवे के अधीन ये कंपनी ट्रेवलिंग एंड कैटरिंग की कारोबार करती है और इकलौती कंपनी है ये, इसलिए अगर इसमें गिरावट हो तो हमें खरीदारी करनी है। दूसरा शेयर होगा दोस्तों KPI टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि ऑटो सेक्टर के लिए AI बेस पर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे ये कंपनी ऑटो सेगमेंट के लिए डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है, तो बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी का रिपोर्टेशन भी अच्छी है और अब तक कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है, कंपनी का फंडामेंटल भी बेहतरीन है। तो मौका मिले तो इन शेयरों में भी आपको खरीदारी करनी है। तीसरी कंपनी होगी जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, जो कि आने वाले समय में दोस्तों उम्मीद की जाती है कि बजाज फाइनेंस से भी बेहतर रिटर्न निकाल के दे सकती है, क्योंकि ये कंपनी एक ऐसी है
जिनके पास अथाह दौलत है, रिलायंस इंडस्ट्री के समूह के हिस्सा है और इस समय मात्र 231 पे भाव पे ट्रेड कर दिया। जब भी ये आपको लोएस्ट प्राइस पे मिले तो उन स्थिति में मिनिमम 100 शेयर अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिएगा। चौथी कंपनी है दोस्तों केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड। जितने भी आप लोग ब्रांडेड जींस पहनते हैं, चाहे वो किलर हो, डेनिम हो, जैसे अन्य और कोई ब्रांड है, तो ऐसे सब ब्रांड को ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसका कि शेयर प्राइस इस समय 775 रुपया पे ट्रेड कर रही है और कंपनी अब तक बहुत बेहतरीन रिटर्न भी निकाल के दिया है, साथ में रेगुलर तौर पे डिविडेंड बोनस भी देते आ रही है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको नज़र रखना है, KKCL। पांचवा और आखिरी कंपनी है दोस्तों गंधार ऑयल रिफाइनिंग इंडिया लिमिटेड। जितने भी आप FMCG सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां देख रहे हैं, चाहे वो पतंजलि हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, ITC हो, उन सभी को ये सफ़ेद ऑयल प्रोवाइड करवाती है। कंपनी का मुख्य रूप से ये कारोबार है, हाल ही में लिस्टेड हुई है, इस समय 279 रुपये पर ट्रेड कर रही है और जब भी लगे इन शेयरों में भी आपको SIP ज़रूर करना चाहिए। तो ओवरऑल दोस्तों इन पांचों शेयरों पे अगर आप पूरा डिटेल्स के साथ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपको इन पांचों शेयरों पे एक एक चीज़ बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।